आज हम सभी अपने जीवन को इस सुंदर सी कमेंट्री के साथ कान्हा जैसा बनाने का संकल्प लें और अपने आप को आज इस सुंदर से विचार से अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रेरणा दें कि हमें कन्हैया जैसा बनना है। हम आपको एक बहुत सुंदर खुशखबरी सुनाते हैं कि अब तो सृष्टि पर बहुत जल्दी इस काल चक्र के अनुसार भी सत्युग आने वाला है और सत्युग में श्री कृष्णा हम सभी के साथ इस धरती पर पुनः आने वाले हैं। इसलिए उनके स्वागत के लिए और उनके साथ इस सृष्टि पर अपना सुंदर सा जीवन व्यतीत करने के लिए हमें भी अपने जीवन को उनके जैसा ही श्रृंगारना चाहिए। आइए जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर हम सभी ये सुंदर सा संकल्प इस सुंदर सी कमेंट्री में अवश्य करें। अपने आप को सुंदर सा विचार दें, मैं सर्व गुणों से संपन्न, सभी अशुद्धियों से मुक्त, कान्हा जी के समान ही मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। मेरा मन, मेरा तन, मेरा जीवन, मेरे कर्म संपूर्ण रूप से सबको सुख देने वाले और सर्वश्रेष्ठ हैं। मेरे मन में इस संसार की हर आत्मा के लिए कान्हा की तरह ही सदा सुख देने की भावना है। मेरी वाणी में कन्हैया की मुरली के समान ही अति मधुरता और सरस है। मेरी दृष्टि में श्री कृष्ण जी के समान ही हर आत्मा के लिए संपूर्ण पवित्र और शुद्ध प्यार है। मेरी दृष्टि इस संसार के हर नर और नारी को आत्मिक रूप में ही देखती है और एक पिता परमात्मा शिव की संतान होने के नाते सबको अति शुद्ध प्यार देती है। मेरा हर कर्म सारे संसार के कल्याण के लिए है। जिस तरह से कान्हा जी के जीवन का हरेक चरित्र सारा संसार गुणगान करता रहता है, उसी तरह से मेरा हर कर्म ऐसा होगा कि सारा संसार मेरी हर क्रिया को, मेरे हर कर्म को आने वाले समय में याद करता रहेगा। यह अभ्यास सही अर्थों में हमें श्री कृष्ण जैसा ही महान, वंदनीय और पूजनीय बनाएगा। इसी के साथ आप सभी को जन्माष्टमी की कोटि कोटि बधाइयां हों, बधाइयां हों, बधाइयां हों। जय श्री कृष्ण।